हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का इन यूट्यूब, क्योंकि आज हमारा डेमो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए फ्रेंड, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ हमारे कोचिंग ऐप का, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सिंपली आप स्टोर पर जाके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स परचेस करके वहाँ से पूरा कंटेंट आप कर सकते हो। तो यार हमारा आखिरी लेक्चर होगा एज अ डेमो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का नहीं, डेमो के लिए। उसके बाद आगे के जो लेक्चर है वो आपको ऐप पे मिलेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड अगर कोई बात नहीं भाई, चलिए तो आज अपन करने वाले ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अपन को एग्जाम्स में कैसे करना, आज अपन इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी है। बाकी कंसेप्ट तो हमारे पास प्रॉपर है, कंसेप्ट का हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चा पार्टी। कंसेप्ट हमारा बिल्कुल ही क्या है, प्रॉपर है, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन ऐसा दे देता है, तो आप एक काम करो, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करो। फटाफट क्या करो, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है। चलो अब यार यहाँ पे पांच क्वेश्चन है, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। अब यहाँ पे क्या होगा, अब तो यहाँ पे फंस गए अपन। अब यार तुम पांच पांच बार रेफरेंस लाइन बनाओगे तो फंस जाओगे। एग्जाम्स में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस लाइन लेंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ सिंपल था, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिमांड भी करता है। तो फिलहाल क्वेश्चन अभी सिंपल है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊँ सिंपल सा, कि आपको क्या करना, एक रेफरेंस लाइन पर काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस लाइन पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए, मल्टीपल पॉइंट्स आपको क्या करना हो, प्रोजेक्ट करना हो, यहाँ देखो मल्टीपल पॉइंट्स है, ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, ई भी करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट प्रोजेक्शन है, तो मल्टीपल पॉइंट प्रोजेक्शन जब होगा आपका, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कॉमन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मतलब क्या कि एक बड़ा सा रेफरेंस लाइन आप ड्रॉ कर दो, एक बड़ा सा रेफरेंस लाइन क्या करो आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। हो सकता है ये आपका ज़्यादा इतनी ना हो, एक बड़ा सा रेफरेंस लाइन आप ऐसे क्या करो। कितना देर से चिल्ला रहा भाई, भाजी वाला बेच तो दिया भाई, 10 मिनट से चिल्ला ही रहा, और भी पूरा भोपाल खाली है, जाके बेचो भाई। चलो एक बड़ा सा रेफरेंस लाइन क्या करना आपको, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो क्या बोल रहा, पॉइंट ए 5 mm अबव HP एंड 15 mm इन फ्रंट VP, मतलब 5 mm एबव HP। एबव कहाँ बनता है, ऊपर। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक ऐसा यहाँ पे लोकस बना दो, कितना mm पे, 5 mm पे। कितने mm पे, 5 mm पे। क्यों ऊपर क्यों बनाओगे, क्योंकि एबव कहाँ होता है, ऊपर। 15 mm इन फ्रंट है, इन फ्रंट कहाँ बनेगा, नीचे। तो यहीं से क्या करो आप, इसी पॉइंट से क्या करो, 15 mm नीचे आ जाओ, ठीक है। चलो तो इसको नाम दे दो, ये कितना mm है, ये 15 mm आप कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो इसको नाम दे दो, ये आपका होगा पॉइंट ए डैश और ये आपका पॉइंट होगा ए। मतलब यहाँ पे आपको लोकस नहीं खींचना है, सिंपली आप प्रोजेक्ट कर दो। सिंपली क्या कर दो आप, प्रोजेक्ट कर दो। कैसे प्रोजेक्ट किया अपन ने, देखो क्या बोला, 5 mm एबव HP, मतलब 5 mm कहाँ, ऊपर। और क्या देता है, एबव देता है फ्रंट व्यू, यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, ए डैश लिख दिया। फिर क्या बोला, 15 mm इन फ्रंट, इन फ्रंट कहाँ आ गए, नीचे। तो जहाँ पे ए डैश उसके ठीक नीचे आ गए, तो यहाँ पे आपको ए मिल गया, तो ये आपका क्या मिल गया, टॉप व्यू। तो यहाँ पे सिंपल आपका पॉइंट प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पे आपको लोकस खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था, एवं मतलब ऊपर, बिलो मतलब, जो भी मैंने आपको बताया था, उसी के थ्रू आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉइंग्स को करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब है पॉइंट बी, 10 mm बिलो HP, 10 mm बिलो। तो कहीं भी थोड़ी दूरी पर आप ले लो, कहाँ पे, 10 mm बिलो, 10 mm बिलो, तो 10 mm नीचे आ जाओ सीधे। यहाँ पे क्या करो, 10 mm नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 10 mm, और यहाँ पे आप सिंगल पेंसिल से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 mm नीचे आ गए, क्यों नीचे आ गए, क्योंकि बिलो कहाँ बनता है, नीचे। क्यों आ गए नीचे, क्योंकि बिलो कहाँ बनता है, नीचे, ठीक है। आगे देखो क्या है, 20 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड कहाँ बनता है, ऊपर। तो यहां से आप क्या करो, 20 mm ऊपर चले जाओ, ठीक है। चलो यहां से क्या करो, 20 mm ऊपर चले जाओ, ठीक है। पॉइंट बी है 10 mm बिलो HP, बिलो मतलब नीचे, बिलो क्या देता है आपको, फ्रंट व्यू। तो ये हो जाएगा बी डैश,
एंड इन फ्रंट बी सॉरी बिहाइंड है, बिहाइंड कहाँ जाएगा ऊपर, ये आपको क्या दे देगा टॉप व्यू बी। ठीक है, तो देखो फ्रेंड अबव आपको दो चीज बता, सॉरी बिलो आपको यहाँ पे दो चीज बता गया, क्या पहली बात तो नीचे और दूसरा क्या बनेगा फ्रंट व्यू, दूसरा क्या बनेगा, ये गोल कर रहा हूँ, तुम लोग गोल मत करें, समझाने के लिए गोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं ना वो दो बातें आपको बता देती है, बिलो ये भी बता रहा है कि रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू बनेगा, ये भी बता रहा है। उसके बाद क्या था बिहाइंड, बिहाइंड कहाँ बनेगा रेफरेंस लाइन के ऊपर, और क्या बनेगा टॉप व्यू, क्या बनेगा टॉप व्यू। तो यहाँ पे देखो अबव बिहाइंड आपको सब कुछ बता रहा है, बिहाइंड मतलब क्या ऊपर बनेगा और क्या बनेगा आपका टॉप व्यू। तो आप बिहाइंड बोला था तो कहाँ चले गए थे अपन, ऊपर चले गए थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को नहीं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सी क्या है, 10 mm अबव HP, तो चलो यहाँ से 10 mm ऊपर चले जाओ, ये मान लो आपका ये कितना है, ये आपका 10 mm है, ऊपर चले गए, क्यों, क्योंकि अबव कहाँ बनता है ऊपर। फिर क्या बोल रहा है आगे, 30 mm इन फ्रंट VP, मतलब अब 30 mm इन फ्रंट कहाँ बनता है नीचे, इन फ्रंट कहाँ बनता है नीचे, तो अब यहाँ से क्या करो 30 mm नीचे आ जाओ, यहाँ से अब क्या करो 30 mm नीचे आ जाओ, मान लो यहाँ पे आ गए आप नीचे 30 mm। चलो अब एक बार देख लो क्या था, अबव था ऊपर बनाए तो ये क्या देगा आपको, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है तो ये आपको क्या देगा फ्रंट व्यू सी डैश, और आपका ये 30 mm है इन फ्रंट तो ये कितना देगा आपको, ये आपका देगा आपको टॉप व्यू। अबे कितना बेचेगा भाई, हो गया भाई आधे घंटे से बेच रहा है ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो सी क्या था 10 mm अबव, तो कहाँ चले गए ऊपर चले गए, वो भी क्या अबव क्या देता है फ्रंट व्यू, उसके डैश लगा दिया, 30 mm इन फ्रंट कहाँ बनाए नीचे आ गए, क्या देगा आपको टॉप व्यू देगा, तो नीचे आपको मिल गया टॉप व्यू। तो देखा कितना सिंपल है, वो लोकस वाला कंसेप्ट क्यों था, क्योंकि अपन को उसको लाइन में यूज़ करना था, इसलिए मैंने बताया था एग्जाम्स में आपको ऐसे ही बना देना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 15 mm बिलो HP, बिलो कहाँ बनता है नीचे, तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर आप एक काम करो 15 mm नीचे आ जाओ, क्यों, क्योंकि 15 mm कहाँ बनेगा बिलो नीचे बनेगा, वो भी फ्रंट व्यू। आगे बढ़ो एंड 20 mm इन फ्रंट, लो आप 20 mm इन फ्रंट बन रहा है, तो फिर से यहाँ पे क्या करो आप यहाँ से नीचे आओ कितना mm 20 mm। ठीक है, तो ये कितना mm हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 mm और ये आपका क्या हो जाएगा 5 mm। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको फ्रंट, ये देगा आपको 15 mm बिलो HP था तो ये आपको देगा फ्रंट व्यू, मतलब कि डी डैश, और ये 20 हो गया 15 और 5, यहाँ से 20 लिए तो ये आपको क्या दे देगा टॉप व्यू। देखो कंफ्यूज मत करना, बात समझो, क्या बोला 15 mm बिलो, बिलो मतलब कहाँ नीचे, तो हम लोग कहाँ आ गए नीचे आ गए। ठीक है, आप एक काम करो ना यहाँ पे नेमिंग करी दो, बिलो क्या देगा आपको फ्रंट व्यू देगा, तो ये आपका क्या है डी डैश, ये आपका क्या है डी डैश। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट कहाँ, इन फ्रंट भी नीचे ही होगा, तो फिर से जब यहाँ पे 20 लोगे तो ये क्रॉस करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अगर आप लेते हो फिर से क्या 20 mm तो ये क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चा बाटी, तो कन्फ्यूज आपको एकदम नहीं करना है ना, आप यहीं से हमेशा मेजरमेंट कहाँ से होता है, रेफरेंस लाइन से ही होता है। ठीक है, एंड जो थोड़ा बहुत डाउट्स है वो क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपन पॉइंट में भी लाइन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, सॉरी लाइन में ही पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो ये तो बहुत सिंपल अच्छा हो गया। अब देखो ई पॉइंट कहाँ पे, इन द HP, ठीक है 15 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड कहाँ बनता है, बिहाइंड बनता है ऊपर, तो चलो यहाँ पे क्या करो 15 mm बिहाइंड ले लो, मतलब 15 mm ऊपर ले लो। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा ई, क्योंकि ये आपका टॉप व्यू है, एंड मैंने आपको बताया था कि जब इन द HP होता है तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनता है रेफरेंस लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई डैश, ये आपका क्या हो जाएगा ई डैश। तो आपको एग्जाम्स में ऐसे बनाना है। ठीक है, अगर कभी भूल जाओ कि ऐसे मजा नहीं आया तो लोकस वाले के थ्रू भी बना सकते हो, लेकिन नहीं यार एग्जाम्स में आपको इस तरीके से ही क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि कंसेप्ट एकदम क्लियर है। देखो 5 mm अबव मतलब ऊपर, डैश लगा दिया ए डैश, क्यों, क्योंकि फ्रंट व्यू है, 15 mm इन फ्रंट नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे ए लगा दिया, क्यों, क्योंकि इन फ्रंट आपका क्या देता है टॉप व्यू, 10 mm बिलो, बिलो कहाँ नीचे, फ्रंट व्यू देता है इसलिए बी डैश, 20 mm बिहाइंड, बिहाइंड कहाँ बनता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या देगा आपको बी देगा टॉप व्यू। सी में देखो 10 mm अबव मतलब ऊपर, क्या देगा सी डैश, क्यों, क्योंकि अबव क्या देता है आपको फ्रंट व्यू। ठीक है, 30 mm कहाँ, इन फ्रंट कहाँ बनता है नीचे, वो क्या देता है टॉप व्यू। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड, अब इसमें ज़्यादा भाषणबाजी मैं नहीं करूँगा,
एंड नहीं आ रहा है समझ में तो फिर आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। इससे आसान तरीका होता ही नहीं है और इससे आसान तरीके से आपको कोई समझा भी नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए अपन एक और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को क्या करेंगे अपन, टाटा बाय बाय करेंगे। नोटेड बच्चा पार्टी, नोटेड। चलिए फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आता है, बहुत सिंपल है, जिस तरीके से अपन करते आ रहे थे उसी तरीके से करेंगे। इसमें मैंने एक चीज़ ऐड की, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको एकदम भी कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। देख लो यहाँ पे भी क्या है, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनाइए ऑन अ कॉमन रेफरेंस, मतलब कॉमन रेफरेंस पे। ठीक है, कॉमन रेफरेंस पे तो मैंने भी आपको बताया है। लाइन कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 मिलीमीटर अपार्ट, 30 मिलीमीटर अपार्ट। यहाँ पे एक नया चीज आ गया कि सर ठीक है, क्वेश्चन तो कह रहा है डॉटर प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, पॉइंट्स का प्रोजेक्शन कीजिए ऑन अ कॉमन रेफरेंस। ठीक है, कॉमन रेफरेंस पे कीजिए। लाइन कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 मिलीमीटर। पता है इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये जो वर्टिकल लाइन अपन खींचते हैं ना, इसी को कहते हैं प्रोजेक्टर्स। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो इनके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 30 मिलीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो मैं यहाँ पे ड्राफ्टर के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, एक आपको रफ ड्राइंग बता रहा हूँ। मैं हमेशा रफ ही ड्राइंग बताता हूँ आपको, वहाँ पे अपने ड्राफ्टर और जैसे मैंने आपको बताया उसके मदद से आपको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा हो चुका है, तो अपन अब कन्फ्यूज एकदम भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चा पार्टी सबसे पहले ड्रॉ होगा रेफरेंस लाइन। सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लो आप, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, पॉइंट ए 20 mm बिलो HP, कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, 20 mm बिलो। बिलो कहाँ होता है, नीचे। तो यहाँ पे आप क्या करो, 20 mm आ जाओ नीचे, 20 mm बिलो। ये मैं इसको क्यों उठा लाया, चलो 20 mm बिलो आप ले लो उसको, 20 mm बिलो। ठीक है, तो बिलो क्या देता है, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे नेमिंग भी कर दो, ये आपका होगा ए डैस। तो कंफ्यूज नहीं होगे, बाद में हो सकता है कि आप नेमिंग आगे पीछे कर दो, तो जैसे करोगे वैसे ही कर देना। ठीक है, तो 20 mm बिलो बोला, बिलो आ गए नीचे। ठीक है, और नीचे क्या दे दिया, ए डैस। क्यों, क्योंकि बिलो हमेशा क्या देता है आपको, फ्रंट व्यू देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा, 50 mm बिहाइंड VP, 50 mm। तो अब यहाँ से ऊपर चले जाओ ऊपर, क्योंकि बिहाइंड कहाँ होता है, ऊपर। तो आप मान के चलो कि 50 mm ऊपर आ जाओगे। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंपली ये आपका हो जाएगा ए, ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, मतलब कि टॉप व्यू। सिंपली ए हो जाएगा मतलब कि क्या, टॉप व्यू। एकदम सिंपल है, देखो आपको क्या बोला, आपको बोला 20 mm बिलो, तो बिलो नीचे आ गए, ये आपका डैश लगा दिया। क्यों, क्योंकि फ्रंट व्यू। फिर क्वेश्चन क्या बोला, 50 mm बिहाइंड, तो बिहाइंड कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, तो 50 mm ऊपर गए। अब बिहाइंड क्या देता है, टॉप व्यू, इसलिए ए। और मैंने आपको नेमिंग बताया था कि जब आपका सिंपल होगा, टॉप व्यू होगा, तो सिंपल नेमिंग करते हैं, बताया था ना आपको। एंड जब आपका क्या होता है, फ्रंट व्यू होता है, उसमें क्या लगाते हैं अपन, डैश लगाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये है प्रोजेक्टर्स, इसे ही कहते हैं क्या, इसे ही कहते हैं प्रोजेक्टर्स। ठीक है, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स कहते हैं। तो क्या बोला, प्रोजेक्टर्स के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 mm। तो एक काम करो आप, यहां से 30 mm नोट कर लो कि 30 mm कितनी दूरी पर होता है, जैसे कि 30 mm मान लो यहां पे होता है। तो अब जो पॉइंट बनाओगे ये यहाँ पे बनाओगे, अब जो पॉइंट बनाओगे ये कहाँ बनाओगे, यहाँ। मतलब दो पॉइंट्स, जो आपका दो पॉइंट्स है उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 mm होनी चाहिए। ये क्वेश्चन डिमांड किया, डिमांड किया तो पूरा करो, तो वैसे ही बनाने वाले थे। तो अब काम करो, ड्राफ्टर से ऐसा नाप लो कि हाँ भाई यहाँ पे 30 mm हो रहा है, तो 30 mm के बाद आप क्या करना, दूसरा पॉइंट को प्लॉट करना, फिर तीसरा पॉइंट उसके 30 mm, फिर चौथा पॉइंट उसके 30 mm। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बी पे। पॉइंट बी इज 10 mm एबव, एबव कहाँ बनता है, ऊपर। तो यहाँ से आप क्या करो, 10 mm ऊपर चले जाओ, यहाँ पे लिख दो 10 mm, और ये बी डैश। क्यों, क्योंकि एबव क्या देता है, फ्रंट व्यू। तो आप एकदम साथ ही साथ नेमिंग कर दिया करो, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, एंड 20 mm इन फ्रंट, इन फ्रंट कहाँ बनता है, इन फ्रंट बनता है नीचे। तो अब यहाँ से क्या आ जाओ, 20 mm नीचे आ जाओ। ठीक है, 20 mm नीचे आ जाओ, आप नाप के करना, ये आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है फ्रेंड, एकदम सिंपल। चलो उसके बाद फिर यहां से आप कितना मेजर करोगे, 30 mm। ठीक है, अगला पॉइंट आप यहां पे प्रोजेक्ट करोगे।
ठीक है, अगर ये 30 mm नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट क्या है, सी है 30 mm एबव HP, तो एबव मतलब कहाँ, ऊपर जाओ, ठीक है, मत गिरो दोस्त, 30 mm है ना, एबव HP है तो ये क्या देगा, फ्रंट व्यू, तो इसका नाम दे दो सी डैश, क्योंकि यहाँ पे सी है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है 40 mm बिहाइंड, बिहाइंड कहाँ जाता है, ऊपर ही जाता है, तो फिर से यहाँ से आप नापना स्टार्ट करो, तो यहाँ तक आप जाओगे तो ये आपका कितना होगा 40 mm होगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिर्फ कितना लिखना है 10 mm, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी, क्यों, क्योंकि फ्रेंड ये तो 30 ऑलरेडी था, आप 40 गए तो ये कितना होगा 10 होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 10 लिख दोगे, ठीक है। दोनों ही प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर हुआ, देखो कैसे 30 mm क्या बोला था अपन को एबव, तो 30 mm ऊपर चले गए, यहाँ पे नाम भी दे दिया, क्या नाम दे दिया सी डैश, फिर क्या बोला 40, फिर ऊपर जाना, तो फिर यहाँ से ऊपर जाओगे, यहाँ तक पहुँचे, ये आपका क्या हो जाएगा सी, तो अब यहाँ पे ये 30 आपने दिखा दिया, तो यहाँ पे आप 10 दिखा दो, आपको पूरा दिखाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये तो खैर आपको क्लियर होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, है ना, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको बताई थी अच्छे से, तो सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फिर आप यहाँ से 30 mm नापोगे, फिर आप यहाँ से 30 mm नापोगे, मान लो यहाँ पर आ रहा है, तो आप पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, पॉइंट डी 50 mm बिहाइंड VP, बिहाइंड कहाँ होता है ऊपर, कितना 50 mm, तो यहाँ से आप चले जाओ ऊपर, कितना ऊपर जाओगे यहाँ से, यहाँ से आप जाओगे 50 mm, क्योंकि बिहाइंड कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, वो भी टॉप व्यू, तो ये क्या है आपका, ये पॉइंट है डी, तो यहाँ पे टॉप व्यू का नाम क्या होगा डी। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड इन द HP, तो आपको पता है कि जब इन द HP होता है तो आपका पॉइंट कहाँ पे होता है, फ्रंट व्यू का पॉइंट रेफरेंस लाइन पे होता है, तो ये आपका हो जाएगा डी डैश। तो फ्रेंड एग्जाम्स में ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, मैंने प्रोजेक्टर्स वाला क्वेश्चन भी आपको बता दिया, विदाउट प्रोजेक्टर्स वाला ही बता दें, जब भी पॉइंट का क्वेश्चन आएगा आप एक रेफरेंस लाइन पे बनाना, एंड इससे पहले वाले क्लास में जो मैंने बताया था वो क्यों बताया था बताओ क्यों, कि उस कंसेप्ट को हमें लाइन में यूज़ करना, और हमारा अगला चैप्टर होगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, जो कि आपको मिलेगा अब ऐप पे। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी लेक्चर नहीं आने वाला है फ्रेंड, तो अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आ रहा है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहाँ से परचेस करके पढ़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ना आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप सिंपली वीडियो को डिसलाइक करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अब आपसे मैं मिलूँगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में, जो बच्चे आप परचेस करेंगे उनके साथ मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ग्राफिक्स में मेरे आगे पीछे आपको कोई नहीं मिलेगा, जो कंसेप्ट मिलेंगे आपको वो एकदम यूनिक मिलेंगे, एंड ठीक है आपको नहीं विश्वास है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड, वैसे भी मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो एक सब्जेक्ट में बच्चे कम भी होंगे तो उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इतिहास वही रहा है, ग्राफिक्स में बच्चे हमेशा बाद में आते हैं, तो ठीक है बाद में मैं आपका इंतजार करूँगा, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बाय बाय, टाटा, नोट इट, नोट इट, नोट इट।